वार्ड नंबर 99 सपा से पार्षद प्रत्याशी कलीमुल्लाह पहलवान डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से कलीमुल्लाह पहलवान ने बताया कि क्षेत्र में सीवर सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वही समाज सेवी के रूप में वह क्षेत्र में भी कर रहे हैं कई विकास कार्य। सड़क सीवर पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसी क्रम में हम इस वक्त वार्ड नंबर 99 में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ यहां पे सपा से संभावित प्रत्याशी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप पूरा परिचय दीजिए। माइक मत लगे। मैं सबसे पहले मैं अपनी बात रखता हूँ कि नगर निगम चुनाव में मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और जनता के बीच मैं सम्मान से काम उनका करूँगा। पूरा परिचय भी दीजिए। मैं कलीमुल्लाह पहलवान पार्षद प्रत्याशी समाजवादी योजन सभा महानगर सचिव भी हूँ और मैं जनता के बीच में जो भी समस्या होगा तन मन धन से मैं करने के लिए तैयार हूँ। कलीमुल्लाह जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर चुनाव में उतर रहे हैं कि कुछ हमारे तरफ की समस्या है पानी की, कुछ मतलब है कि जमाव हो जाता है। मैं अगर से पार्षद बना तो मैं पानी के निकासी के भी विचार करूँगा और बहुत से लोग बच्चे को मतलब है कि स्कूल में मतलब है कि फ्री सेवा पढ़ाने का कार्य करूँगा और जो भी अपने संबंधित लोग का काम होगा क्षेत्र बाहर का भी मैं उसको भी निभाने का काम करूँगा। यह भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप क्षेत्र में जाते होंगे, लोगों से रूबरू होते होंगे, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपके सामने वो रखते हैं? समस्या ज़्यादातर ये है कि ये एक बत्ती का मामला होता है तो जिससे कि कुछ गरीब लोग बुनकर भाई लोग बत्ती मीटर कट गया है, लाइन कट गई है, अब बत्ती फेंक कर बारते हैं तो कभी कभी बत्ती वाले आते हैं और उनका फोटो खींच लेते हैं 20,000-25,000 देने की मतलब देते हैं तो आदमी छोड़ देते हैं। तो मैं बुनकर और किसान एक समान है, मैं अगर से पार्षद हुआ तो मैं इनकी लड़ाई उनकर भाई की लड़ने के लिए तैयार रहूँगा कि आप पत्ती तो मीटर से ही बारे मगर अगर से भाई दिक्कत है, परेशानी हो गई है, कुछ मजबूरी है तो बारे तो भाई कुछ ले दे के अपन काम करे थे। सबकर काम चलता है, जन बुनकर और किसान एक समान है कि सबको छूट मिलनी चाहिए और मिली भी है बुनकर भाई लोग को भी। ये आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप एक समाज सेवी भी हैं, समाज के लिए अपने क्षेत्र वासियों के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया है? मैं समाज सेवा मैं अपने क्षेत्र के जनता के लिए जब 2017 में पानी दो दिन रह गया तो मैंने नगर निगम जय के पास गया कि इसका समस्या का समाधान कैसे होगा, तो वो बोला कि ये हमारा काम नहीं है, बड़े अधिकारी का काम है। तो हम कहा कि भाई थाने में 20 सिपाही रहती है तो 100 सिपाही की ज़रूरत पड़ती है तो अधिकारी ऊपर फ़ोन करते हैं तो आपको अगर से काम है तो आप ऊपर फ़ोन करिए इस समस्या का समाधान करिए या तो कहें कि ये बड़े अधिकारी का काम है। तो हम कहा कि उनका नंबर दीजिए, हम फ़ोन करें, हमसे बात कराइए। तो कहे कि मोबाइल नहीं है। तब मैं इसी मुद्दे पर कि हमने कहा कुछ कड़े शब्द में कि क्यों बे साले, भिकमंगा के पास टाली चलाने वाले के पास मोबाइल है, तुम लोग कुर्सी पर बैठकर 50,000 रुपया तनख्वाह पाते हो, तेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मैंने उनको 2017 में नगर निगम चौकी सफाई चौकी में 2 घंटा मैंने बंद कर दिया था। इसी मैंने बंद किया तो फिरौती लेने के लिए नहीं,
किसी को बाजार जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को पढ़ाने जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, इसी के संबंध में मैंने ये काम किया, जनता के लिए किया था। जी जी, जब आप इतना कार्य किए हैं अपने क्षेत्र के लिए, जनता क्या कुछ उम्मीद लगा सकती है इस बार आपसे, क्योंकि आपके वार्ड की बात की जाए तो पूर्व के अंबार देखने को मिलता है, साथ ही साथ सीवर की समस्या, वही सरकारी योजनाएं जो है कितनी सारी, उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप, कैसे उनको, अगर वो जीतते तो आप किस प्रकार से सहायता करेंगे? मैं देखिए मैडम जी, पहले तो बहुत कुछ सिस्टम गलत था, मगर अब पहले से बहुत सही हो गया। सीवर वगैरह की इधर मरम्मत भी हुई है, अब पहले जैसा नहीं है, पानी जुड़ता है तो निकास हो जाता है, सफाई सुथराई का भी बहुत ज्यादा है, दो तीन बार झाड़ू भी लग, बोलने की सुनवाई नहीं होती है एकदम। तो मेन चीज हो कि मैं होऊंगा तो एकदम सुनवाई होगी, मैं सुपरवाइजर को एकदम टाइट कर दूंगा कि मैं देखिए हमको बार बार ना कहना पड़े, हमारे क्षेत्र के जनता का सम्मान के साथ काम होना चाहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं कि जब वोटिंग का समय आता है लोग वोट मांगने आते हैं, वादे करते हैं बड़े बड़े, फिर इसके बाद जीतने के बाद वो समय तक नहीं देते हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए हम लोग तो जे कुछ नेता लोग आते हैं चुनाव लड़ते हैं, अब जे के बड़ा कारोबार है, वो जीत के भी अपना कारोबार करेंगे कि जनता के बीच में रहेंगे, जो हमेशा जनता के बीच में भिड़ के रहता है वही काम करेगा, जिसको अपना बीस्ट मशीन चलती है या कोई अपना काम है एडवोकेट, वो कोर्ट कचहरी देखेगा कि जनता के बीच में क्या रहेगा, हम लोग जैसे गरीब लड़का जमीनी आदमी कार्य करेगा जनता के बीच, और जनता सम्मान भी करती है, क्योंकि मैं ना कोई नशा का आदी हूँ, ना सिर्फ पहलवानी स्तर से कुछ शौक था, तो मैं स्टेट लेवल अपने वेट में 62 किलो के वेट में लखनऊ तक मैंने गया हूँ लड़ने, उसकी भी लड़ा हूँ और 62 किलो के वेट में प्रथम स्थान हासिल। क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा क्षेत्रवासियों से कि प्रत्याशी तो बहुत से हैं, मगर कुछ प्रत्याशी देखिए कि कौन प्रत्याशी आप लोग के बीच में आपकी लड़ाई लड़ सकता है जी। और प्रत्याशी का काम है मेहनत करना, कर्म करना प्रत्याशी का काम है, साधन तो भगवान देता है, अल्लाह का काम है कामयाबी देना, बस इसी के कारण मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। आप देख सकते हैं अभी वार्ड नंबर 99 से सपा से संभावती प्रत्याशी कलीमुल्ला पहलवान जी से अभी हम बात कर रहे थे, और साफ तौर पे उनका यही कहना था कि जिस तरह से वह समाज सेवी के रूप में अभी भी अपने क्षेत्रवासियों का जो भी समस्या है उसका निवारण कर रहे, वो जीतने के बाद भी वो पूरी तरह से जो भी समस्याएं हैं वार्ड की वो जल्द से जल्द उनका निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाठवा, 4th पिलर न्यूज़।